लाखों छात्रों का सपना होता है कि वो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करें। ऐसे में जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के लिए जगह आ चुकी है। इसमें तीन चार अच्छी बातें हैं और वो अच्छी बात क्या है, इस वीडियो के हेडलाइंस क्या हैं, उसके बारे में आपको पहले डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले ये वैकेंसी जो है वो 1010 की मात्रा में, जो कि अच्छी खासी मात्रा में है। उसके बाद 10th के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 12th के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं और ITI के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका ITI कंप्लीट नहीं है तो आप 12th या 10th में से किसी एक में से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ITI कंप्लीट है तो वहां से अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें तो तीसरी अच्छी बात ये है कि इसमें जो है 100 रुपये ही ओनली मात्र फीस है और कोई ज़्यादा फीस नहीं है। चौथी अच्छी बात यह है कि इसमें किसी प्रकार का एग्जाम या कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है, डायरेक्ट मेरिट बेस पे आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। तो ये चार हेडलाइंस है, इसके अलावा भी अन्य चीज़ें हैं तो वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार, ये चैनल गवर्नमेंट ITI द्वारा चलाया जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे प्रेस कर लीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम करें तो आपका फॉर्म जो है वो 22/5/2024 से 9:30 बजे से खुल गया है और 21 जून तक आप लोगों का शाम के 5:30 बजे तक ये फॉर्म चलने वाला है। तो अच्छी खासी जो है अभी टाइम ड्यूरेशन है, आप इसके हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं। सबसे हम पहली बात करें फ्रेशर के लिए, फ्रेशर में हम अभी बताएंगे कौन कौन से बच्चे डाल सकते हैं। तो फ्रेशर में कारपेंटर के लिए है और कारपेंटर में ITI के लिए भी है। तो देखिए जो ये वाली ट्रेड है ये ITI के लिए भी हैं और ITI की वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है कि जो है कारपेंटर में जनरल के इतने बच्चे भर सकते हैं, OBC के इतने, SC इतने, ST इतने और PWD इतने, टोटल इतना कारपेंटर के लिए ITI के लिए वैकेंसी है। और जो फ्रेशर है, इस फ्रेशर में दो प्रकार के लोग हैं, एक तो 10th पास हैं, दूसरा 12th पास हैं। तो 10th पास कौन है, 12th पास कौन है, वो हम अभी बताऊंगा। इन ट्रेड के हिसाब से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टोटल वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं। जो फ्रेशर के लिए वैकेंसी है 320 वैकेंसी है, प्लस यहाँ पर इन दो रेडियोलॉजी पैथोलॉजी के लिए भी 5-5 हैं, तो टोटल 10 वैकेंसी यहाँ पर है। अगर ITI की बात करें तो 670 वैकेंसी यहाँ पर है और 10 वैकेंसी यहाँ पर है, और यहाँ पर PA SA1 की वैकेंसी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये टोटल वैकेंसी। अब हम बात करते हैं कि अदर चीज़ को कौन सी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए डिग्री डिप्लोमा जो भी बच्चे हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है, सिर्फ 10th 12th और ITI के बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। और नोटिफिकेशन ये आपका प्योर अप्रेंटिस है, किसी प्रकार की जॉब के लिए नहीं है। बाकी यहाँ पर आप लोग ये नंबर दिया है, चाहें तो इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके हेल्प ले सकते हैं। फिर यहाँ पर छोटी छोटी बातें हैं जो हैंडीकैप्ड हैं उनके यहाँ पर क्राइटेरिया दी हुई हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पर एज लिमिट दिया हुआ है, एज लिमिट कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो ITI के कैंडिडेट हैं उनको एज लिमिट 15 से लेकर 24 तक दिया है। जो नॉन ITI मतलब फ्रेशर है उनका 15 से लेकर 22 एज लिमिट दिया है। एज में रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और जो फिजिकली चैलेंज रहते हैं उनके लिए 10 साल की छूट रहती है। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक्स के लिए बात करते हैं। जो ITI छात्र हैं उनमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट के लिए 10th पास होना चाहिए, 10th में मिनिमम 50% होना चाहिए और आप लोगों का जो है साइंस से 10th होना चाहिए और साथ में ITI आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है NCVT या SCVT, किसी से भी आप लोग चल जाएंगे। 1 साल की आपकी अप्रेंटिस होने वाली है। कारपेंटर में कारपेंटर से आपका ITI होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए और 10th में आपके जो है मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, बाकी मैथ साइंस कंपलसरी नहीं है। फिर प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम असिस्टेंट कोपा, 10th पास होना चाहिए और कोपा से ITI होना चाहिए, चाहे NCVT हो चाहे SCVT हो, और 10th में यहाँ पर कंपलसरी नहीं कि आपके पास मैथ। अब फ्रेशर के लिए जो था उसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट जो दिया था उसमें आपका 10th पास होना चाहिए, 10th में 50% होने चाहिए और 10th में मैथ और साइंस कंपलसरी है। 2 साल की आप लोगों को अप्रेंटिसशिप होने वाली है फ्रेशर के छात्रों के लिए। तो अगर आप 10th के बेस पे भरना चाहते हैं फॉर्म तो फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट वाले जो फ्रेशर वाला वैकेंसी है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर दूसरा है कारपेंटर और पेंटर जनरल के, फ्रेशर में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10th पास होना चाहिए और 10th में मैथ और साइंस ज़रूरी नहीं है, आप आर्ट साइड से भी हो सकते हैं, 50% मार्क्स होने चाहिए, 2 साल की ट्रेनिंग इसमें भी चलेगी। अब यहाँ पर बेल्डर है, बेल्डर में भी आपको 10th पास हो जाना चाहिए मगर यहाँ पर मैथ साइंस कंपलसरी नहीं है,
एक साल तीन महीने की ट्रेनिंग चलेगी, 50% टेंथ में मार्क्स जरूरी हैं। फिर रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी के लिए आपको ट्वेल्थ पास होना चाहिए और ट्वेल्थ में जो है आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंपलसरी है। तो ये तीन प्रकार के फ्रेशर की वैकेंसी है। तो फ्रेशर में देखिए, फ्रेशर में आपके ये वाले जो ग्रुप है ये टेंथ और मैथ साइंस के साथ होना चाहिए। फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट के लिए, कारपेंटर के लिए सिर्फ टेंथ पास होना चाहिए, वेल्डर के लिए टेंथ पास होना चाहिए और रेडियोलॉजी के लिए ट्वेल्थ और पीसीबी से होना चाहिए। यहाँ पर ड्यूरेशन देख सकते हैं कितने साल की आपकी ट्रेनिंग चलने वाली है। पैसे भी यहाँ आपके अलग अलग हैं, जैसे आपके स्टाइपेंड है, जो फ्रेशर हैं और सिर्फ टेंथ पास हैं उनको 6,000 मिलेगा, जो फ्रेशर हैं ट्वेल्थ के लिए उनको 7,000 मिलेगा, जो आईटीआई के बच्चे हैं उनको यहाँ पर 7,000 स्टाइपेंड मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। ये वेबसाइट दी हुई है, www. करके भी लिख सकते हैं या https://pb.icf.gov.in से फॉर्म भर लेंगे और फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा और आपकी यहाँ पर 100 रुपये जो है वो फीस रहेगी। और ये जो फीस है इसमें 100 रुपये के बाद सर्विस टैक्स, जिस हिसाब से आप जिस बैंक से अप्लाई करेंगे उसका सर्विस टैक्स लगेगा और ये नॉन रिफंडेबल फीस है, ये आपकी वापस नहीं आने वाली है। और बात करें फीस जो है आपकी वो ऑनलाइन ही पे होगी और कोई माध्यम इसमें नहीं है, फॉर्म भी ऑनलाइन ही होगा, आपको फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन भरना है, किसी प्रकार के कहीं पे भी मेल वगैरह नहीं करना है। और बाकी जो कम्युनिकेशन है उसके बाद वो सब इसी वेबसाइट पे आएगा, उसी पे आप लोग देखते रेगुलर देखते रहिए। मोड ऑफ सलेक्शन, सलेक्शन कैसे होने वाला है, तो सलेक्शन आपका मेरिट बेस होने वाला है, जिसमें जो है टेंथ की मेरिट के बेस में आप लोगों का यहाँ पर सलेक्शन होने वाला है। और बाकी कोविड के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, वो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है इक्वल अगर मार्क्स हैं तो जो ओल्डर होगा एज में उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अलॉटमेंट ऑफ ट्रेड, वो आप लोगों को एक बार ट्रेड अलॉटमेंट हो जाएगी वो चेंज नहीं कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड, ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करने होंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा और उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर अप्रेंटिसशिप शुरू हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है, आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। फॉर्म की वेबसाइट जो है मैं आप लोगों को एक ही वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है, इसी वेबसाइट से आपका फॉर्म भरा जाएगा। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।